एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आज आपको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। आज मैं बात करूंगी आपसे सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव क्या होता है, ये हमें अब फिर से सीखना क्यों पड़ रहा है कि सेल्फ लव क्या होता है? क्या हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं या हम प्यार करना भूल गए हैं? जब शादी हो जाती है किसी भी लड़की की, अपनी उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चों की, पति की, फैमिली की, तो हम सेल्फ लव करना भूल जाते हैं, राइट? बस इतना ही डिफरेंस आया ना कि हम भूल गए हैं सेल्फ लव करना। पहला टाइम याद है ना आपको, शादी से पहले खुद को कैसे पैम्पर करते थे, नई नई ड्रेसेस, फिटिंग वाली ड्रेसेस, डेली हेयर कट कराना, नए नए हेयर कट कराना, अच्छा सा अपना फेस रखना, हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ फेस पे यूज़ करते रहना अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए, बालों में कुछ ना कुछ यूज़ करते रहना, अपना आपको स्मार्ट बना के रखना होता है, और एक से एक फुटवेयर पहनते हैं और हर वक्त अपने आप को पैम्पर करते हैं नई नई चीज़ों से, खुद को खुश रखते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, दोस्त होते हैं हमारे पास, तो कभी ये एहसास ही नहीं होता कि हमें ये सब सीखना पड़ेगा एक टाइम बाद कि सेल्फ लव क्या होता है। बेसिकली हुआ क्या है, हम लोग फंस गए हैं जिम्मेदारियों में। हम मम्मास के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस सबसे लास्ट में देते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, हस्बैंड होता है, फैमिली होती है, तो हम खुद को भूल जाते हैं। सबके खाना खाने के बाद तब खाना खाना बैठेंगे, चाहे हम कितनी देर के भूखे क्यों ना बैठे हों। सबके सोने के बाद तब सोएंगे, चाहे हमें कितनी भी तेज़ नींद आ रही हो। सबसे पहले भी उठेंगे क्योंकि हमें सारा काम पहले तैयार कर लेना है सबके उठने से पहले। हम जब सबके बारे में इतना कुछ सोच सकते हैं, बच्चे ने ठीक से खाया है, सोया है, नहाया है, हस्बैंड का ध्यान रखना है, उसने प्रॉपरली खाना खाया है, टाइम से ऑफिस भेजना है, उनके कपड़े प्रेस है या नहीं है, तो थोड़ा सा अपना भी अगर ध्यान रख लोगे तो क्या प्रॉब्लम है। बहुत ईजी है रखना, बहुत ईजी है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये लापरवाही हम मम्मास की सिर्फ आप ही नहीं, मैंने खुद की है। पिछले कुछ साल, पिछले 3-4 साल जैसे मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, हस्बैंड्स, फैमिली, सब में इतना ज़्यादा मैं उलझ गई थी कि मैं भूल गई थी कि मैं कैसे हुआ करती थी, कैसे हर वक्त खुद को पहले पैम्पर करती थी, हमेशा वेल ड्रेस रहती थी, अच्छा सा हमेशा कॉम करती थी। एक टाइम ऐसा था मतलब कि मुझे कई कई दिन हो जाते थे कॉम करे हुए भी, लगता टाइम ही नहीं है बच्चे के साथ उलझे रहना, बस सबके घर में सफाई कर लो, घर के काम कर लो, पहले खाना बना लेती हूँ, पहले ये कर लेती हूँ, बाद में हो जाएगा। इन सब चीज़ों में कई साल हमारे निकल जाते हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ। कम से कम 2-3 साल मैंने अपने को पलट के ही नहीं देखा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, मैं फिजिकली मेंटली बिल्कुल वीक हो गई। मेंटली बहुत प्रेशर हो जाता है, हम हमेशा क्योंकि अपने बारे में नहीं सोचते, हमारे फेस पे स्माइल कब आई थी लास्ट, हम ये तक भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में बस बिजी रहते हैं, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बिल्कुल भूल जाता है खुद को। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी, ऐसा ही हो रहा है ना? और मेंटल स्ट्रेस किसके लाइफ में नहीं है, सबके लाइफ में कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई है। ऐसा मत सोचिए कि आपकी लाइफ सबसे हेल है, आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, लेकिन हमें उसे हैंडल कैसे करना है वो है सेल्फ लव, वो है एक तरीका ज़िंदगी जीने का। खुद से प्यार करो, खुद की ज़िंदगी को संभालने की कोशिश करो, खुद को संभालने की कोशिश करो। देखो एक सिंपल फंडा है, अगर आप खुश होगे तो आप सबको खुश रख सकते हो, आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो पूरे घर का मैनेजमेंट अच्छा होगा, बच्चा भी बहुत अच्छे से चलता रहेगा, हस्बैंड का भी सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, अपना मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान करना है कि क्या क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि मेरा हो रहा था वेट काफ़ी लूज़, काफ़ी कम वेट हो गया, तो मैंने वेट इंक्रीज़ करने के ऊपर काम किया कि मुझे वेट कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे अपनी डाइट को बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है। इस तरह से हमें एक एक चीज़, एकदम से मत घबरा जाओ कि ओहो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा। स्टेप बाय स्टेप चलो, बेबी स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, एक एक चीज़ अपने ऊपर ध्यान देते रहो, घर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ आपने घर शिफ्ट किया, पूरा घर मैस हो रहा है, सारा सामान रखा है, आप एक दिन में तो शिफ्ट नहीं कर सकते ना, पूरा सेटल नहीं कर सकते ना एक दिन में, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक एक चीज़ अनपैक करोगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, किचन, तो पहले आप किचन सेट कर लोगे, फिर एक एक अलमीरा करोगे, एक एक कबर्ड करोगे, एक एक पेटी खोलोगे, और आप
अनपैकिंग करना स्टार्ट करोगे। वो फिर देखोगे जब आप थोड़ा थोड़ा खोलोगे ना, तो अलमारी में लगाओगे, कबर्ड में लगाओगे, तो वो थोड़ा थोड़ा कितने अच्छे से तरीके से आप लगाओगे। सेम आपको अपने लाइफ के साथ ऐसे ही करना है। एक एक चैप्टर खोलो, एक एक प्रॉब्लम को खोलो और उसको सॉल्व करते चलो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे सॉर्ट आउट करना शुरू करा और कैसे सेल्फ लव पे मेरा अपना ध्यान गया, अपने ऊपर ध्यान गया, और उसके साथ जब मैंने देखा कि मैं अपनी फैमिली को और ज़्यादा बेटर तरीके से चला पा रही हूँ, अपने घर के ज़्यादा और भी ज़्यादा काम कर पा रही हूँ, वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को फिट रखोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को पैम्पर करोगे। सुबह उठ के खुद से लव करो, पहले खुद को बोलो आई लव यू, खुद से एक फ्लाइंग किस तो खुद को दे ही सकते हो, राइट? सिंपल सा आई लव यू स्वाति, इतना तो बोल ही सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने अपने रूटीन को अच्छे से बनाओ, बिल्कुल प्रॉपर रूटीन रखो अपना कि सुबह उठ के मुझे क्या क्या काम करने हैं, फिर डिनर तक मुझे क्या क्या काम करने हैं, पूरा दिन का शेड्यूल फिक्स करो। ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी काम करना शुरू कर दिया है। अपने आप को वेल ड्रेस करो, अपना ध्यान रखो, अपने लिए भी शॉपिंग करो। मैं तो एक टाइम में अपने लिए शॉपिंग करने भूल गई थी कि मुझे भी कुछ नया चाहिए, तो अपने लिए भी शॉपिंग करो, नया ड्रेस पहनो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और फेस पे रखो एक बड़ी स्माइल। और एक और चीज़ ऐड करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से बात। पुरानी बातें जब अपने दोस्तों से करोगे तो वो पुराना समय याद आएगा और फिर से आप वो पहले जैसे हुआ करते थे ना, वैसे ही बन जाओगे। याद है ना कितने मस्ती हुआ करती थी पहले, शादी से पहले, बच्चों से पहले, जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो हम कितना मस्त रहते थे। तो दोस्तों से बात करके हम वो पुराना टाइम याद कर सकते हैं और ख़ुद को फिर से पहले के जैसा बना सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप लोगे ना तो ईजी रहेगा, एक साथ सारे काम ले लोगे ना तो घबरा जाओगे। देखिए परेशानियाँ ना सबके ज़िंदगी में आती है, सबके ज़िंदगी में आती है, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। मुझे तो ज़िंदगी हर एक परेशानी ने, हर एक प्रॉब्लम ने, हर एक मुश्किल समय ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। पिछले 10 साल में मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, और पिछले 4-5 साल में और पिछले 2 साल में और ज़्यादा कुछ सीखा है। मतलब हर दिन मुझे लगता है कि मैं और मैच्योर और समझदार और अच्छी बनती जा रही हूँ, क्योंकि टफ टाइम के बाद फिर अच्छा टाइम तो फिक्स से आना ही आना है। तो टफ टाइम आपको और स्ट्रॉन्ग बना देता है, और जब उसके बाद अच्छा टाइम आता है ना, तो वो हमें और ज़्यादा खुशी से हम उसको जीतते हैं, क्योंकि हम एक टफ फेस देखा होता है हमने। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लाइफ को, अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं, अपने आप से प्यार कर सकते हैं। देखो आप खुश रहेंगे, आप फिट रहेंगे, तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो पहले तो अपने आप से प्यार करना शुरू, अपने आप को रेस्पेक्ट देना शुरू करो, अपने डिसीजन लेना शुरू करो। इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपको ये टाइम टफ लग रहा है ना, कि ये मेरा टफ टाइम है, मैं स्माइल नहीं कर सकती हूँ या मैं सेल्फ लव नहीं कर सकते हो, तो अपना और भी टफ टाइम फेस किया होगा या और भी कोई टफ टाइम गया होगा, उसे याद करना, तो आपको लगेगा ये उससे तो कम है, ये तो बहुत ईजी है। तो हमेशा ऐसा याद करो, अपने और भी टफ टाइम को याद करोगे तो ये टाइम आपको इजी लगेगा, और कैसे ये टफ टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए अगर लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो कभी प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए उसका सलूशन क्या है। अगर आप सलूशन की तरफ देखोगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम का पता भी नहीं चलेगा, और एक एक प्रॉब्लम आपके ऐसे सॉल्व हो जाएगी कि कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो आपको अभी करना क्या है, अपने आप से प्यार करना है, पैम्पर करना है, खुद को पैम्पर करना है, वेल ड्रेस रहना है, मेंटल हेल्थ अच्छी करनी है अपनी, एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको, और फिजिकली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है कि आपको कोई आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन लेते हो तो वो कैसे बंद कर सकते हैं, उसका मैं क्या ट्रीटमेंट लूँ, क्या मैं योगा करूँ, कौन सी मैं एक्सरसाइज करूँ, वो सब आपको देखनी है। फिजिकल हेल्थ एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हम उस अगर वो प्रॉब्लम है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
मेरा तो ये मानना है, अगर आप शरीर से बीमार हैं तो दिमाग से अपने आप बीमार हो जाएंगे, और दिमाग से बीमार है तो शरीर से, तो शरीर काम ही नहीं करता है दिमाग के बिना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना है। खुद से प्यार करते रहो और प्यार बिखेरते रहो। तो बस ये थी कुछ बातें, अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।